तो पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट का कंप्लीट सेटअप जो है किया था जिस जिसमें हमने बोर्ड स्ट्रैप को यूज़ किया और प्लस सैस का आ, जो है मॉड्यूल्स वगैरह ऐड किया ताकि हम सैस कोडिंग्स लिख सकें और उसे हम कंपाइल कर सकें सी में इस वीडियो में हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे प्लस uh, uh, इस सीरीज़ uh, का जो है प्लेलिस्ट uh, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एज ए लिंक वहाँ पे डला हुआ है आप वहाँ से भी जाके इसका पूरा का पूरा सीरीज़ जो है वो देख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो uh, चलिए आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमने क्या किया था कि बूट जो है हमने यहाँ पर यूज़ किया है ठीक है तो बूट को सबसे पहले हम प्लग कर लेते हैं और बाय द वे बूट uh, जो है हमारा एक uh, सी एस फ्रेमवर्क है तो सी एस फ्रेमवर्क जो है हमेशा इंडेक्स में ही हम इसको रखें क्योंकि ये जो है ग्लोबली अवेलेबल हो मतलब जितने भी हम कॉम्पन यहाँ पर फर्दर जितने भी हम डिज़ाइंस uh, या सी एस एस लिखते हैं उस uh, वहाँ पर uh, ये हर जगह जो है इनके क्लासेस जो है हमें मिले ठीक है तो सबसे पहले जो है इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे चलते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उसके से डॉट डॉट स्लैस आपका नोड मॉड्यूल बेसिकली क्योंकि ये यह यहाँ पर पड़ा हुआ है नोड मॉड्यूल के अंदर ही आपको यहाँ पर मिलेगा इसलिए बोट स्ट्रैप्स ठीक है बोट स्ट्रैप्स ये स्लैस ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बोट स्ट्रैप आ, सी जो हमारा सास था उसको हमने यहाँ पर ग्लोबली आ, अवेल करा दिया और इसकी वजह से क्या होगा कि ये हर जगह हमें आ, जो भी हम मतलब कहीं भी हम क्लास अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हर जगह हमें उसको वो मतलब एक्सेसिबल होगा एक्चुअली ठीक है एक बार सर्वर को अप कर लेते हैं सर्वर अप करके एक बार चेक कर लेंगे कि चीज़ें जो है सही चल रही हैं कोई एरर नहीं है कुछ नहीं है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी आ, स्टार्टिंग द और डेवलपमेंट सर्विस जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एक पर एक बार कन्फर्म हो लेंगे कि अगर कुछ इशू होगा तो वो यहीं पर थ्रो कर देगा कि ये जो है एक्सेसिबल नहीं है ठीक है फर्दर जो है हम यहाँ पर एक फाइल uh, बना लेते हैं जो कि uh, जिसमें हम अपने uh, सारे सी एस एस को हम यहाँ पर लिखेंगे और uh, वो सी एस एस जो है बेसिकली हर जगह uh, मतलब यहाँ पर मैं अभी कॉमनली लेके चल रहा हूँ आप उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ठीक तो है तो कॉमन लेके चल रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन कॉमन सेस के नाम से मैं एक यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ और इसी को जो है मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा जो कि फर्दर जो होगा बूट्स टाइप के फ्रेमवर्क जो सी एस एस है उसको कहीं हमें ओवर करना होगा तो हम उसको ओवर कर पाएंगे तो इम्पोर्ट कर लेते हैं और इम्पोर्ट करने के बाद से यहाँ पर करते हैं डॉट स्लैस कॉमन ठीक है कॉमन डॉट सेस अब मैं यहाँ पे जो भी सैस फाइल में जो भी मैं इसको और दूंगा आ, वो चीज़ें जो है वो कॉम्पोनेट्स को हमें मिल पाएगा ठीक है तो सेस फाइल में जब भी हमें चेंजेस करना होगा वो हम यहाँ पर करेंगे फर्दर चलते ये बात करते हैं हम अपने कॉम्पोनेट्स के बारे में बेसिकली तो यहाँ पर हम कितने कॉम्पोनेंट्स बना रहे हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे तो कॉम्पोन को लेके चलते हैं तो सबसे पहले कॉम्पोनस के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं कॉम्पनेंट्स कॉम्पनेंट्स के अंदर तो हमारा यहाँ पर जो आ, टू डू वाला जो हमारा एप्लीकेशन है उसे हम आ, उसमें हम एक हेडर देंगे ठीक है हेडर के साथ साथ जो है हमारे एक जो है क्रिएट नोट सेक्शन होगा बेसिकली जहाँ पर हम आ, जो हम नोट्स एक्चुअली जब हम एंटर करेंगे वो सेक्शन होगा एक होगा हमारे जहाँ पर हम नोट्स एक्चुअली हम दिखाएंगे, और प्लस जो एक होल्डर भी होगा जहाँ पे हमारे नोट्स जो होगा वो वहाँ पर लिस्ट डाउन होगा तो सारे कॉम्प्रेंट्स को यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं तो एक हमारा हो गया हेडर दूसरा है हमारा यहाँ पर क्रिएट नोट तीसरा जो होगा हमारा यहाँ पर नोट्स होगा और इस नोट्स को आ, मतलब नोट्स जो होगा इसको हैंडल करने के लिए बेसिकली इसको शो करने के लिए हमारे एक नोट नोट होल्डर होगा यहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे कंपोनेंट जो है सुविधा के हिसाब से यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है फर्दर आप अपने हिसाब से जो है इसको कितना डिवाइड करना चाहें आप फर्दर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो कॉन्स्ट यहां पे हमारा हेडर आ गया और इसको हम यहां पर एक्सपोर्ट करेंगे ठीक है तो यहां पर मैंने हेडर को एक्सपोर्ट कर दिया अगेन यहां पर Uh, एक नॉर्मल uh, मेथड है नॉर्मल हमारे यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है मैंने एरो फंक्शन बनाया है जो कि यहाँ पर डिवाइडर को यहाँ पर एक्चुअली uh, रिटर्न कर रहा है और हमने उस मैथ uh, मैथड met, uh, को जो है हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया तो बाय द वे अगर रिएक्ट के टर्म से बात की जाए तो ये एक यहाँ पर हमने फंक्शन uh, कंपोनेंट जो है हमने बनाया है आजकल ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं फंक्शन कंपोनेंट्स को ही uh, क्योंकि क्लास कॉम्पोनेंट जो है uh, मतलब आप किस तरीके से सोच रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है बट क्लास कॉम्पोनेंट जो है कहीं कहीं जो है आपके कोड्स का जो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ भी कर देता है तो ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं अगर बेयर मिनिमम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है फंक्शन कॉम्पोनेंट्स को लेके ही चलिए अदरवाइज़ जो है क्लास कॉम्पोनेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फंक्शन कॉम्पोनेंट थोड़ा क्लीन होता है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा उसमें क्लियर होता है क्रिएट नोट तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर सभी को तैयार कर लेता हूँ जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका नाम जो है थोड़ा सा मतलब रिलेटिव रखना रखना चाहिए थोड़ा सा आइडिया होता है ना बेसिकली कि आ, आप कभी भी इसको सर्च कर पाए तो नाम जो है थोड़ा सा क्लोज रखा करिए कि हाँ एक्चुअली ये कॉम्पनेंट का नाम जो है वो रिलेटिव हो कि हाँ वो खुद को क्या प्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे हमारा नोट होल्डर है तो हमारे सारे कॉम्पनेंट जो यहाँ पे तैयार हो गए हैं और इन कॉम्पोेंट्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं तो इंडेक्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है ऐप में जो है हम सबको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो करते हैं इंपोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट में हमारा जो है यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करेंगे हेडर ठीक है तो हेडर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हेडर को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं ठीक है हेडर हमारा आ गया हेडर के बाद से जो है यहाँ पर हमें चाहिए क्रिएट नोट इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली जो है हमें इसको यूज करना है तो मैं इसे यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता हूँ ठीक है क्रिएट नोट आ गया एक बार यहां पर देख लेते हैं तो हमारा हेडर और क्रिएट नोट जो है यहाँ पर सेक्शन uh, जो है आ चुका है आ, इसके अलावा जो है हम यहाँ पर एक बार आ, नोट होल्डर भी यहाँ पे ले लेते हैं ठीक है और नोट होल्डर के अंदर जो है हम यहाँ पर पास करेंगे आ, हमारा जो नोट्स एक्चुअली ठीक है तो नोट्स को हम इसके अंदर पास करेंगे इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली हमारा एडिटर जो है इसे इंपोर्ट नहीं किया ठीक है नॉर्मली एडिटर्स जो है इंपोर्ट कर देते हैं तो ये जो है हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं एक बार यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारे जो हैडर क्रिएट नोट और नोट होल्डर तीनों जो है कॉम्पोनेट हमने यहाँ पर प्लग uh, कर लिया ठीक है तो कंपोनेंट का जो है यहाँ पर uh, जो स्ट्रक्चर जो था वो हमने तैयार कर लिया है कंपोनेंट जो है हमने यहाँ पे प्रॉपरली जो है प्लग uh, कर लिया है अब फर्दर चलते हैं uh, हम हेडर से शुरू करते हैं बेसिकली हेडर का जो है स्टाइलिंग्स uh, जो है डिज़ाइंस जो है जो हमने लेना है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि उसको हमें uh, कैसे जो है हम इसको बनाएंगे तो अगेन जैसे कि हमने यहाँ पर बुड स्टेप यूज़ किया है तो बुट स्टेप के हिसाब से ही ले चीज़ों को हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा तो बुट स्टेप जो है सबसे पहले जो है हमें कंटेनर देता है ठीक है तो कंटेनर देता है तो उसका कंटेनर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये सारे जो मैं यहाँ पर क्लासेज जो भी मैं यहाँ पर क्लास नेम्स यूज़ कर रहा हूँ ठीक है ये जो होगा ये क्लास नेम्स जितने भी होंगे ये सारे बुट के अपने प्रीडिफाइन क्लास नेम्स हैं उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंटेनर फ्लूड ये उसी का क्लास नेम है एक बार चेक कर लेते हैं देखिए मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया ये यह देखिए यहाँ पर इसका जो है क्लास जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया ठीक है तो ये बोर्ड का अपना क्लास क्लास नेम है और ये प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो इट्स ईजी कि मतलब कि कोई सरप्राइजिंग चीज़ें जो है हम यहाँ पर ले नहीं चल रहे तो हेडर को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं तो हेडर के लिए चलते हैं तो डिजाइनिंग्स को थोड़ा सा डिव हमारा हो गया फॉर्मेट कर लेते हैं इसको और फॉर्मेट करके डिव के डिव को जो हम यहाँ पे क्लास नेम दे दे देते हैं क्लास नेम जो है हमारा रॉ हेडर ठीक है एक्चुअली यहाँ पे मैं पेरेंट दे रहा हूँ और उसके अंदर जो है बाकी चीज़ें जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और क्लास नेम call 12 uh, then h2 span ठीक है स्पेन के अंदर जो है यहाँ पर हम अपना uh, जो है आइकन uh, यहाँ पर हमें एक्चुअली यूज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक आइकन uh, क्लास जो है यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है आइकन और एच uh, टू में ही जो है हमारा यहाँ पर मिलेगा टाइटल ठीक है टू डू सेव करते हैं देखते हैं कैसा दिख रहा है ठीक है अब यहाँ पर जो है हमें आइकन यूज करना है बेसिकली यहाँ पर आइकन जो है तो आइकन बेसिकली मैं यहाँ पर आ, जो एस बी जी आइकन है वो यहाँ पे यूज करूँगा तो मैं प्रेफर करता हूँ आ, एक ऑनलाइन एक्चुअली टूल है हीरो आइकन्स के नाम से जो कि हमें आइकन्स प्रोवाइड करता है बेसिकली एस जी और प्लस जीएसएक्स आइकन्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है ठीक है तो मैं डायरेक्टली उसी को प्रेफर करता हूं कि उसी को मैं यहां पे यूज़ करूं तो कॉपी कर लेते हैं और उसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं फॉर्मेट कर लेते हैं ठीक है तो ये जो है हमने यहाँ पर डायरेक्टली आइकन यूज़ कर लिया और यहाँ पर देख लेते हैं वो कैसा दिख रहा है तो ओके मतलब आइकन यहाँ पर आ चुका है बट ये इतना बड़ा सा दिख रहा है कोई बात नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा सी का भी हमारा अभी काम बाकी है सी एस एस जैसी हम लिखेंगे चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी तो कॉमन में चलते हैं और हेडर वाला जो है सी एस एस यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मली जैसे हम आ, आम तौर पे हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं सेम उसी तरीके से चीज़ों को यहाँ पर मैंने आ, मतलब हैंडल करने की कोशिश की क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ट्रिकी नहीं लगेंगी ठीक है हेडर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और कलर वाइट बॉक्साइडो दे देंगे ठीक है ये एक्चुअली स्टाइलिंग का पार्ट है आपको अगर आप प्रेफर करें तो ठीक है नहीं तो ये सब चीज़ें जो हैं आप अवॉइड भी कर सकते हैं आ, चलिए इसको अभी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम एच टू का साइज़ दे देते हैं पैडिंग टेन पिक्सल ज़ीरो और यहाँ पर जो हमने स्पेन यूज़ किया था तो क्योंकि वहाँ पर साइज़ जो है ना थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ठीक है तो डॉट आइकन आइकन को जो है यहाँ पर हम देंगे वेट फोटी पिक्सल हाइट फोर्टी पिक्सल डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मार्जिन राइट थोड़ा सा गैप हमें लेके चलना है इसलिए मार्जिन राइट जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसको सेव करते हैं और ये जो है हमारा एच टू है तो मैं एच टू ले लेता हूँ चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है ठीक है तो यहाँ का जो हमारा हेडर जो है और जो है वो कंप्लीट हो चुका है ठीक ठाक सा दिख रहा है ऑलमोस्ट तो ठीक है हेडर हमारा यहाँ पर हेडर का जो पार्ट है हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है अब हम फर्दर जो हम बात करेंगे जो हमारा नोट सेक्शन के बारे में बेसिकली क्रिएट नोट जहाँ पर हम नोट्स एक्चुअली लिखेंगे उस सेक्शन के बारे में हम बात करें करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं नोट सेक्शन जो है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो नोट सेक्शंस के लिए अगेन आ, तो पहले इसका स्टाइलिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं कंटेनर क्रिएट नोट ठीक है तो ये है हमारा आ, हेडर जो है हमने कंप्लीट कर लिया था इसको फॉर्मेट कर देते हैं हेडर कंप्लीट है अब इस पर आते हैं तो यहाँ पर जो है अगेन मैं बोट कहीं जैसे कि मैंने बताया कि बोट को यूज़ कर रहे हैं अगर देखना चाहें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं बोट स्ट्रैप बेसिकली मुझे यहाँ पे कार्ड यूज़ करना है बुट स्टेप का कार्ड जो आता है वो हमें यहाँ पे यूज़ कर मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ तो आप डायरेक्टली जो है ना यहाँ से चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और उसको सीधा सीधा भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है आ, मैं ज़्यादा प्रेफर वही करता हूँ कि मैं दोबारा से चीज़ें लिखने से बेटर है कि यहाँ से कॉपी और पेस्ट करा जाए और चीज़ें जो है आ, मतलब हमारा काम जो है ख़त्म हो जाए तो वो ज़्यादा इजी है एक्चुअली क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं फिर से उनको आप बैठ के टाइप करें ठीक है डिपेंडेंट uh, uh, मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंसी है आप जैसे आप uh, मतलब प्रेफर करें ठीक है तो डिव अगेन क्लास नेम कार्ड क्लास नेम कार्ड बॉडी और इस बॉडी के अंदर जो है बेसिकली हमें क्या करना है कि एक इनपुट बॉक्स एक्चुअली हमें यहाँ पे लेना है और वो इनपुट बॉक्स से ही जो है वैल्यू हमें उठाना है ठीक है तो यहाँ पे हम फॉर्म ले लेते हैं और फॉर्म के अंदर जो है हम यहाँ पे इनपुट और क्योंकि दो सेक्शन है बेसिकली टाइटल और प्लस डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में ले ले रहा हूँ ठीक है तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे ले लिया है अब इसको कुछ जो एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पे पास करना है वो कर लेते हैं नेम जो है यहाँ पे टाइटल और ये जितने भी हम यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं ना ये आ, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें जो एक्सेसिबल होती है हर जगह आपको ठीक है तो ये एट्रीब्यूट जो है हम इसको फर्दर जो है एज ए आइडेंटिटी यूज़ करेंगे आ, क्लास नेम आ, फॉर्म कंट्रोल ये आपका बोर्ड का कहीं अपना क्लास नेम है उसके बाद से आता है हमारा प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर जो है प्लेस होल्डर हम यहाँ पर दे देते दे टाइटल दे 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 ठीक है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देते हैं सेम इसके लिए भी जाते हैं तो हमें यहाँ पर चीज़ें ऑलमोस्ट चीज़ें सेम चाहिए तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ठीक है डिस्क्रिप्शन और ये भी हमारा डिस्क्रिप्शन ठीक है ये हमने यहाँ पे इसे डाल दिया और फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर कैसा दिख रहा है ओ ग्रेट ओके ओके सो ऑलमोस्ट जो चीज़ें जो है यहाँ पर चीज़ें लाइनअप हो गई हैं ये हमारा टाइटल है ये हमारा डिस्क्रिप्शन है टाइटल में आप टाइटल के वैलेज डालिए और डिस्क्रिप्शन में आप अपने डिस्क्रिप्शन के वैलेज डाल ली फर्दर जो है यहाँ पर मैं क्रिएट नोट का जो यहाँ पर क्लास मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया है इस रिलेटेड मैंने सी एस एस पहले से यहाँ पर लिख दिया है <laughs> क्योंकि अब मैं सी एस एस को ले अगर आपका टाइम किल करूँ आई थिंक आप भी प्रेफर नहीं करेंगे तो मैंने <laughs> सी एस एस का क्लास जो है पहले से यहाँ पर चीजें लिख दी है आप बाद में इसको आप यूज कर लीजिएगा हम जो है बेसिकली डॉम स्ट्रक्चर और इन चीज़ों पे यहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड रहे तो बेटर होगा ठीक है प्लस अब आता है बटन क्योंकि तो एक बटन चाहिए जिसके क्लिक पर जो है यहाँ पर हम आ, इसको ऐड करेंगे क्लास नेम बटन और आ, इसके अंदर जो है हम यहाँ पर अगेन आइकन हमें यहाँ पर यूज करना है जो कि मैंने पहले भी बताया था तो मैं जो है यहाँ पे अगेन हीरो आइकन आइकन जो है इसी को मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मुझे जी एस एक्स और मैं यहाँ पर आइकन टूल्स जो है काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स है बेसिकली उनको भी मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ बट वो बहुत आ, सारा चीज़ जो है ना इंस्टॉल करना पड़ेगा उसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिमिटेड चीज़ों को ही लेके चल रहा हूँ इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको डाल देते हैं सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है ठीक है तो ओके थोड़ा सा चीज़ें वियर्ड है ठीक है इसको एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको मैंने एक क्लास नेम देना है तो वो क्लास नेम भी यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देते हैं तो जो भी एस होता है एस भी जो है क्लास नेम सपोर्ट करता है ठीक है तो आप एस को भी आप यहाँ पर क्लास नेम दे सकते हैं तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर हमारा क्रिएट नोट वाला सेक्शन जो है ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन जो उसका डिज़ाइन सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके पास यहाँ पर बटन्स हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे Uh, चीज़ें जो है ऐड होंगी ठीक है तो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद जब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे बेसिकली क्लिक, क्लिक करते ही जो है नोट्स जो है यहाँ पर नीचे ऐड होगा तो क्रिएट नोट वाला सेक्शन जो है हमें यहाँ पर कंप्लीट हो गया है अब जो है हमारे नोट्स जितने भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे उनके लिस्टिंग्स पे जो है हमें यहाँ पर काम करना है तो आ, फर्दर देखते हैं इसके बारे में तो अब हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा नोट होल्डर प्लस नोट्स वाला सेक्शन जो है वो है उस पर हमें यहाँ पे काम करना है तो क्रिएट नोट वाला सेक्शन जो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और चलते हैं अब हमारा नोट होल्डर में ठीक है तो नोट होल्डर में हम आते हैं नोट होल्डर में बेसिकली जो है आ, यहाँ पर हमने क्या किया था कि नोट्स हमने पास किया था बट जो है वो यहाँ पर विजिबल नहीं है विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है Uh, जो रिएक्ट है एक्चुअली इन प्रॉप्स के अंदर जो है हमें एक चिल्ड्रन uh, के नाम से भी एक प्रॉप्स uh, जो है डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें देता है ठीक है तो ये चिल्ड्रन जो है ये डिफॉल्ट जो है ये uh, हमेशा मौजूद होता है आप अगर कुछ भी अंडर uh, सेक्शन जो है अगर कुछ आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर नोट होल्डर के अंदर जो यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो ये ये जो है इसका चिल्ड्रन है और यही जो है यहाँ पर एज ए प्रॉस्ट जो है आपको यहाँ पर मिलता है तो आ, एक बार इसको चेक करते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अब जो है यहाँ पर नोट्स आ रहा है नोट्स कहाँ से आ रहा है ये हमारा नोट्स का जो कॉम्पोनेंट्स था ना यहाँ से ही आ रहा है ठीक है तो नोट्स वाला ये वाला सेक्शन जो है पहले नोट होल्डर वाला जो है हमारा सेक्शन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर इसको कम्प्लीट कर देते हैं प्लस यहाँ पर जो है मैंने एक ऑलरेडी uh, इसके लिए एक क्लास uh, दे रखा है तो क्लास नेम जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं ठीक है uh, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट uh, सोल्डर के नाम से है ठीक है नोट सोल्डर जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको दे दिया ठीक है uh, इसका काम यहाँ पर uh, ख़त्म हो गया uh, इसे भी हम यहाँ पर क्लोज करते हैं सी कोई एरर नहीं आना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ठीक है अभी तक हम चीज़ें जो है हमारे स्मूथली चल रही हैं इसको अब बंद करते हैं अब आते हैं हमारा नोट वाला सेक्शन नोट वाला सेक्शन भी जो है उसे भी हमें डिज़ाइन वाइज जो है उसको हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए चलते हैं फर्दर तो क्लास नेम Class name call twelve. Class name card. Class name card body H five. क्योंकि हमें क्या करना है कि जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें हम यहाँ पे दिखाना है तो ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं और बॉडी भी जो है हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर हम उसको टैग में एक्चुअली हम उसको रैप करेंगे और प्लस फर्दर जो है आप नोट्स को ऐड करने के बाद से नोट्स को आप डिलीट भी करना पसंद करेंगे तो इसलिए जो है यहाँ पर हम एक बटन भी ले लेते हैं जो कि चीज़ें जो है यहाँ पर हमारी आ, जो है उसको रिमूव भी करेगा ठीक है तो रिमूव करने के लिए बटन भी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्लास नेम बटन और अगेन रिमूव के लिए हम यहीं से रिमूव का एक ले लेते हैं ठीक है तो रिमूव के लिए आप ट्रेस या ये ले सकते हैं मैं ट्रेस को प्रेफर करूंगा तो ट्रेस को यहाँ पे ले लेते हैं ठीक है और इस स्ट्रेस को भी जो है हमें एक आ, आ, क्लास नेम जो है मुझे देना पड़ेगा बेसिकली क्योंकि अदरवाइज जो है वो प्रॉपर फॉर्मेटेड वहां पे नहीं दिखेगा तो इसका क्लास नेम ऑलरेडी मैंने बना रखा है रिमूव आइकन ठीक है सेव करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ठीक है तो ऑलमोस्ट जो चीजें जो है यहाँ पर दिख रही है दिख रही हैं यहाँ पे चीज़ें जो है प्रॉपर आ रही हैं ये हमारा टाइटल जो भी हम यहाँ पर टाइटल ऐड करेंगे जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे वो यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो है इसका जो है पूरा का पूरा डिज़ाइन सेक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका पुरा पुरा है डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है हमने पूरा का पूरा कम्प्लीट कर दिया है ठीक है सो तो आशा करता हूँ कि डिज़ाइन का जो पार्ट है वो आप लोग को क्लियर हुआ होगा और आप इस वीडियो को इन्जॉय भी किए होंगे बेसिकली तो पढ़ते रहिए और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लॉजिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे और इसको इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली एंड अप करेंगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय